हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, रीड पेपर लीक को लेकर जो है एक न्यूज़ आ रही है। 1-1.5 घंटे पहले की ही ये न्यूज़ है कि 5 लेक्चरर जो हैं वो सस्पेंड किए जा चुके हैं। इसके साथ ही बहुत सारे परीक्षार्थी जो हैं उनको SOG की टीम ने पकड़ा भी है और कुछ लोग जो हैं वो फरार भी हो गए हैं। तो यहाँ पर 3 जिले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जालौर, सिरोही और बाड़मेर। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो लोगों को पकड़ा है SOG की टीम ने। और ये भी कहा है कि इससे भी ज़्यादा जो है यदि यहाँ परीक्षार्थी पकड़े जाते हैं तो यहाँ का जो पेपर है वो कैंसिल हो सकता है, जालौर, सिरोही और बाड़मेर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पकड़े गए हैं। तो एक जो चीज़ है कि जो परीक्षार्थी जिन्होंने बहुत ईमानदारी से पेपर दिया था तो उन लोगों के लिए जो है संकट का विषय ये बन चुका है, क्योंकि उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर जो SOG की टीम है वो ये भी कह रही है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। तो यहाँ ये बात तो ठीक है कि गिरफ्तारी जो है वो हो रही है, लेकिन ये जो जालौर, सिरोही और बाड़मेर में यहाँ पेपर यदि कैंसिल होता है तो इन जिलों के बच्चों को जो है वो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और यही चीज़ जो है वो कही थी कि CBI की जो है वो जांच होनी चाहिए। SOG जो है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन उतने अच्छे से काम जितने अच्छे से CBI कर सकती है SOG नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ ये भी आ रही है न्यूज़ कि टोंक और अलवर के 2 कॉलेजों को बोर्ड और RPSC से बाहर होने के बावजूद जो है यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो है धांधली इतनी ज़्यादा हुई है, इतनी बुरी तरह से हुई है कि हर बच्चा जो है वो परेशान है। तो यहाँ पर SOG की टीम ने ये भी कहा है कि जो जिले हैं ये तीनों, यहाँ पर जितने पेपर बेचे गए हैं उन बेचने वालों की और खरीदने वालों की उन्होंने लिस्ट बना भी ली है। तो हर एक का जो है वो नाम जो है वो सामने आएगा ही। ठीक है, तो ऐसे जो परीक्षार्थी हैं वो टीचर नहीं बन पाएंगे जिन्होंने भी ऐसे सोचा था। तो चलिए, कुछ जो है हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और कुछ जो है नेगेटिव न्यूज़ भी है। क्योंकि क्या होता है कि जालौर, सिरोही और बाड़मेर में यदि परीक्षार्थी पकड़े जाते हैं और यहाँ कैंसिल हो जाता है पेपर तो जो ईमानदार बच्चे हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी तरीके से रीट के संबंध में जो न्यूज़ होगी वो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।